हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने चीज़ी बॉल लेके आई हूँ जो बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, मैंने मटर लिए, एक पाव मटर ली है, मैंने इन्हें उबाल लिया है। और मैं देखिए, मैंने उड़द धुली दाल ली है जिसे मैंने एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था। देखिए दो टुकड़े हो रहे हैं तो आपकी दाल ये अच्छे से भीग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को पीसेंगे, बट पहले हम मटर पीसेंगे। ये देखिएगा, मैंने मटर पीस ली है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम दाल डाल के पीसेंगे। देखिए थोड़ी सी दाल हम बचा लेंगे ताकि हमें थोड़ी दाल ऐसी डालेंगे हम ताकि क्रिस्पी लगे थोड़े से। ठीक है, देखिए मैंने पीस लिया, एक बॉयल ले लिया है और आप देख सकते हो इस तरह का आपको रखना है। ठीक है, देखिएगा मैं सारे का सारा इस बॉयल में निकाल दूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसे हम फेटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छे से आपकी चीज़ी बॉल सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, क्रिस्पी बनेगी और अच्छी बनेगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे, ये देखिएगा मैदा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद ये देखिएगा, मैंने ब्रेड को पीस लिया है मिक्सी में, आसानी से पीस जाता है। ये ब्रेड का चूरा है, ये देखिएगा, हम 3 से 4 चम्मच इसको लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इसे लेंगे और। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिएगा अब इसे स्पून की, इसे हाथ से आप इसे अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अजवाइन छोटी चम्मच, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, और फिर उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। हम अपने हाथ की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिएगा मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथ की सहायता देख सकते हो आप, इस तरह का ढीला है थोड़ा सा ये हमारा, तो इसमें थोड़ा सा हम ब्रेड का चूरा और डालेंगे। इसमें डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, 4 से 5 बार और डाली मैंने स्पून, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की सहायता से। ये देखिए मैंने चीज़ घिस लिया है, और घिसने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे किचन किंग मसाला, ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे, और फिर हम इसमें नमक होता है आप देख सकते हो, तो थोड़ा ही नमक और ऐड करें। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिएगा जो हमारा मिक्स हो चुका है पहले का, देखिएगा इसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं डाला था। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो हमने चीज़ी के लिए करा था ये देखिएगा, अब इसे भी हम हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से, देखिएगा मैंने सारी बॉल बना ली है, और मैंने ये भी मेरा बन के तैयार हो गया। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर हम इसकी एक गोल गोल लोई बनाएंगे। देखिए फ्लैट करेंगे इसे थोड़ी थोड़ी, फ्लैट करने के बाद आप देख सकते हो फिर इसमें एक बॉल रखेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बंद करेंगे, फिर हम इसको गोल कर देंगे। बिल्कुल देख सकते हो, बस फटे नहीं, अच्छे से आपको गोल कर लेना है इसको। इसी तरह आपको सारे बना लेने हैं। ये देखिएगा मैंने सारे बना लिए हैं, और ये देखिएगा
जो उसके बाद क्या करेंगे, उठाएंगे हम जो ब्रेड का चूरा है और उस पर इस तरह से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल गरम हो चुका है, ये देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे, जितनी एक बार में आ जाए आप उतनी डालिएगा, आँच को मीडियम ही रखना है आपको, देखिएगा मेरी आँच आई है इसमें। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे, मीडियम आँच पे, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे थोड़ी सी और करेंगे ताकि क्रिस्पी बने ये, इसलिए थोड़ी देर और फ्राई करेंगे हम इसे, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए थोड़ी क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, अब इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिएगा हमारी चीज़ी बॉल बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं, किसी चटनी के साथ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिएगा इसे जब हम खोलेंगे तो किस तरह से आपकी इसमें से चीज़ निकलेगी, ये देखिएगा, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है चीज़ी बॉल। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे वीडियो को देखने। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।